बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड अक्रॉस अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, दिस इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, ये कॉपर की वायर है, अज्यूम कर लेते हैं। इस कॉपर की वायर में हमने करंट को पास करना है, तो करंट को पास करने के लिए हम यहाँ पे किसी किस्म की बैटरी यूज करेंगे। इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम कनेक्ट कर देंगे इस वायर के साथ। हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड को हमने इंसर्ट करना है इस तरह से कि ये वायर आधी इस कार्डबोर्ड के ऊपर हो और आधी इस कार्डबोर्ड के नीचे हो। इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम प्लेस कर देंगे कंपास नीडल्स को। कंपास नीडल्स का पर्पस होता है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना। जैसे ही हम ये कंपास नीडल्स रखेंगे, ये फिलहाल ओरिएंट डायरेक्शन में है, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट कर देंगे हम इस वायर के साथ, जो कि कॉपर की वायर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, यहाँ से फौरन कोई करंट आई पास होना शुरू हो जाएगा। ये करंट आई फ्लो करेगा तो ये करंट के अक्रॉस जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे कि कंपास नीडल्स अपने आप को टेंजेंशियली अक्रॉस अ सर्कल अरेंज कर लेंगी, यानी ये इनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो जाएगी जैसे यहाँ पे कोई सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर ये टेंजेंशियल वे में अपने आप को अरेंज कर लेगी। टेंजेंशियल का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे नॉर्मली या फिर 90 के एंगल पे होना। जैसे अभी फिलहाल हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लें, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन जो बन रही है इसकी, ये 90 की है। तो इस तरह से ये सारी कंपास नीडल्स अपने आप को कुछ इस डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगी। हमें पता है कंपास नीडल्स की ये एरो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी इसका ये आगे वाला पार्ट जो एरो पार्ट है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को, इसका बैक पार्ट इंडिकेट करता है साउथ पोल को। ये कंपास नीडल्स ने अपने आप को टेंजेंशियली अरेंज किया है ऑन अ सर्कल, इसका मतलब कि यहाँ ये कंपास नीडल्स इंडिकेट कर रही हैं किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को। जैसे ही हमने ये करंट पास किया, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुई है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब हम इन कनेक्शंस को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब ये है कि इस जगह पे हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव साइड और इस तरफ करते हैं पॉजिटिव साइड। कनेक्शंस रिवर्स करेंगे, हमें पता है करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अभी फिलहाल फर्स्ट केस में जो हमने देखा, फर्स्ट केस में करंट की डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही हमने कनेक्शंस रिवर्स किए, कनेक्शंस रिवर्स करने से हमारे पास करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो भी रिवर्स हो गया। करंट के रिवर्स होने से हमने ये देखा कि ये कंपास नीडल्स जो पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, इन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया, रीअरेंज करके ये कंपास नीडल्स क्लॉकवाइज हो जाएंगी। इट मीन्स के करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है करंट पे। थर्ड केस में हम इस बैटरी को रिमूव कर देते हैं। ये जो बैटरी हमने कनेक्ट की है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है करंट को प्रोड्यूस करना। हम जैसे ही ये बैटरी रिमूव करेंगे, हमें पता है करंट फौरन से यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे करंट जीरो होगा, फौरन से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस हुई थी वो भी जीरो हो गई है। ये अगेन रैंडमली अरेंज हो जाएंगी, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन पर हमें नजर नहीं आएगी। ये तीन स्टेप्स जो हमने परफॉर्म किए हैं, इससे हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा कि जब कभी हम किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं और उसके अक्रॉस हम कंपास नीडल्स अरेंज करते हैं, तो फौरन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी किसी भी करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती ही है। सेकेंडली हमने ये सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। करंट की डायरेक्शन अगर इस केस में ये थी और इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो गई है, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थर्ड पॉइंट हमने ये सीखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहती है जब तक वायर के अंदर करंट रहता है। जैसे ही हम करंट को जीरो करते हैं, करंट को जीरो करने से मैग्नेटिक फील्ड फौरन से वहां पे जीरो हो जाती है, वहां पे नहीं रहती। ये तीन बातें जो हमने सीखी, इन बातों के साथ हम
अब फील्ड की डायरेक्शन को सीखते हैं कि हमने कैसे इंडिकेट करना है, कहीं पर भी अगर करंट हो तो करंट के अक्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सा एक राइट हैंड रूल है। ये राइट हैंड रूल आपको ये सिखाएगा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे इंडिकेट करना है। सबसे पहले जो भी करंट की डायरेक्शन है आपने उस तरफ राइट हैंड थंब करना है। ये थंब आपने करना है टूवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ करंट इस वक्त अपवर्ड है तो आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थंब करना है। कर्लिंग फिंगर्स विल इंडिकेट दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरफ आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी इसका मतलब है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो उस वायर के क्रॉस प्रोड्यूस हुई है। जैसे कि यहाँ अभी फिलहाल इस केस में ये सर्कल जो प्रोड्यूस हुए हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। इसका मतलब कि इस वायर के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। याद रखें आप जब कभी किसी भी फिनोमिना को पढ़ रहे हैं, कि कहीं पर भी आप करंट को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमेशा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी, मौजूद होगी। ये अलग बात है कि कहीं हम उसको कंसीडर करते हैं और कहीं हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आपने थंब करना है और कर्लिंग फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नोन एज द राइट हैंड रूल विच इज यूज फॉर द इंडिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी स्पेसिफिक एरिया।